Assalamu alaikum. I am Samar Khan presenting my fourth lecture of class 1 from Oxford Progressive English. Unit number 14, Writing a Diary, Lesson number 2 3 Phonics and Words, Reading Mango Jango Comes to Tea, page number 75 to 77. Homework Creative Writing My Mother. Here is your book title page. Unit number 14, Lesson number 2 Phonics and Words. We have learned listen and speak of this lesson uh, unit. राइटिंग आ डायरी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया है राइटिंग आ डायरी का लेसन नंबर वन उसमें हमने कुछ वेदर के बारे में पढ़ा था और कुछ गेम पढ़ी थी ठीक है अब हमारे पास यहाँ पर क्या है रीड द वर्ड्स विद द मैजिक ई एंड आई ई साउंड्स मैच द पिक्चर्स टू द वर्ड्स वी हैव टू मैच द पिक्चर्स टू रेलिवेंट वर्ड्स दिस वन लुक एट दिस केक मेक ए आई का साउंड और ई का साउंड ठीक है स्नेक लेट फॉनिक्स यू हैव लर्न फॉनिक्स इन योर ट्री स्कूल्स ठीक है आपने अपनी प्री क्लासेज में ये पढ़ा हुआ है ठीक आप पढ़ के आए हुए हो ये प्लेट गेट गेव ट्रेन रेनी वेट टेल अगेन पेन मैच इट केक दिस वन फाइंड आउट द केक वर्ड दिस वन एंड मैच इट स्नेक को स्नैक के साथ मैच कर दिया प्लेट दिस वन इज प्लेट क्लाउ रेनी दिस वन गेट ट्रेन एंड पेन ठीक है क्योंकि वो हर्ट हो रही है आगे अब हमारे पास क्या है कंप्लीट दिस सेंटेंस इज यूजिंग द साउंड्स फ्रॉम एक्सरसाइज ए वी हैव टू यूज दीज वर्ड्स टू फिल द ब्लैंक्स हमने ब्लैंक्स को फिल करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ करने हैं फ़र्स्ट वन देख लेते हैं हमने जस्ट आपने क्या करना होता है या पहले भी कर चुके हो आपने स्पेलिंग्स कंप्लीट करने होते हैं इनके टॉम्स फादर वॉज वेटिंग फॉर आर ट्रेन टॉम के जो फादर हैं वो ट्रेन का वेट कर रहे हैं दिस वन इन दिस पिक्चर फर्स्ट वन द ट्रेन वॉज लेट एंड इट वॉज रेनिंग बारिश हो रही थी और ट्रेन क्या थी लेट हो गई एट लास्ट टॉम्स फादर गॉड होम अगेन ही वॉज वेट वो क्या है जब वो घर वापिस आए दिसम वो जब घर वापस आए तो वो पूरे गीले हो चुके थे वेट हो चुके थे यू कैन सी इट स्पैलिंग्स कम्प्लीट करने आपने ठीक है टोम्स मदर गेव हिम अ टॉवल एंड ही गॉड ड्राई उन्होंने उनको एक टॉवल दिया ताकि वो खुश कर लें अपने आपको शी गेव हिम अ प्लेट ऑफ केक टू उन्होंने उनको एक प्लेट भी दी जिसमें केक था ठीक हो गया आपने स्पेलिंग्स कम्प्लीट करने आई एम रिपीटेड अगेन कलर द पिक्चर्स हाउ डू दे फील यू हैव टू कलर द पिक्चर्स ठीक है नीटली आपने कलर्स करने हैं पिक्चर को और आपने बताना है कि ये इनकी पिक्चर्स जो है वो किस तरह के एक्सप्रेशन को आपके वो दे रही है किस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं बेसिकली एग्जाम्पल लुक एट द फर्स्ट वन ही लुक्स व रेड वो परेशान दिख रहा है इसके ऊपर आप लिख सकते हैं फर्स्ट वन डन हुआ हुआ है आपके लिए इसलिए मैंने नहीं लिखा हैप्पी सेकेंड वन ही लुक्स हैप्पी वो खुश दिख रहा है शी लुक्स एंग्री वो गुस्से में दिख रही है इस तरह के फेसेस फेसेस एक्सप्रेशन से उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया हुआ है ठीक है दिखाया हुआ है शो किया हुआ है ही लुक्स टायर्ड वो थका हुआ दिख रहा है शी लुक्स सरप्राइज वो हैरान दिख रही है नेक्स्ट वन इज रीडिंग मंगो जंगो मंगो जंगो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ था ठीक है लेसन नंबर थ्री में हम रीडिंग पढ़ेंगे मंगो जंगो कम्स टू टी अब मंगो जंगो उनके घर टी के लिए आया है अब देखते हैं हम यहाँ पर रीडिंग में क्या है लिसन एज यू रीड फिजाज मदर्स डायरी देन आंसर द क्वेश्चन वी विल आंसर इट आफ्टर द रीडिंग सैटरडे अब सैटरडे को क्या होता है यू हैव टू लेसन मी वेरी केयरफुल आपने मुझे बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन हैं आपको सबको पता है कि इसी से सॉल्व होते हैं और हमारे जो ट्रूफॉल्स हैं वो भी हमारी रीडिंग में से ही होते हैं सैटरडे को क्या था सेकेंडली यू हैव टू अंडरलाइन द वर्ड्स ठीक है डिफ़िक्ट वर्ड्स को आपने देखें अंडरलाइन करना है और उसके ऊपर उसके मीनिंग्स भी लिखने हैं यूज़ पेंसिल्स ऑन योर बुक्स आई एम वर्ड अबाउट फिज़ा मैं फिजा के बारे में बहुत परेशान हूँ आप मदर बात कर रही हैं आई थिंक शी इज टेलिंग लाइज मुझे लगता है कि वह झूठ बोलना स्टार्ट हो गई है दिस मॉर्निंग इस सुबह वी वर इन द किचन जब हम किचन में दे दिस वन इन दिस पिक्चर कैन वी मेक अ केक टमोरो शी आजमी उसने मुझसे पूछा क्या हम हाँ, आप कल जो है वो केक बना सकते हैं अ मॉन्सटर इज गोइंग टू कम टू टी उसमें ना एक मॉन्सटर जो है मंगोजों को वो हमारे घर टी प्यारा है हम ऐसा करेंगे उसके लिए एक केक बना लेंगे डोंट टेल लाइज फिजा आई सेड मैंने कहा उसकी मदर ने कहा कि झूठ मत बोलो फिजा देर इज़ नो सच थिंग एज अ मॉन्स्टर ओके ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती लाइक मॉन्स्टर वगैरह कुछ भी नहीं होता अब फिज़ा तो है वो अपने ओन पे बता रही है लेकिन मदर उसका ट्रस्ट नहीं कर रही देर इज़ अच्छा यहाँ पर हो गया आई एम टेलिंग द ट्रुथ फिज़ा सेट फिजा ने कहा मैं सच बोल रही हूँ ही इज़ गॉट अ रेड ईयर्स एंड एंड सिक्स लैक्स कि उसके रेड कान है और छह टांगे हैं अब फिजा उनको बता रही है कि इस तरह का है मंगो जंगो लुक एट दिस आपने इसके ऊपर मीनिंग्स भी लिखने हैं इसके आई लाव्ट वो कह रही है मैं हंसना शुरू हो गई लाफ्ट मतलब मैं हंसना शुरू हो गई एंड फिज़ा वॉज एंग्री विद मी और वो मुझसे नाराज़ हो गई मेरे पे गुस्सा हो गई डोंट बी एंग्री आई सेट मैंने कहा कि मुझसे नाराज़ मत हो वी विल मेक अ केक एनी वे कह रही जो भी है तुम जैसा भी बोल रही हो हम फिर भी एक केक बना लेंगे आफ्टरनून दोपहर में इन द आफ्टरनून वी वर इन द गार्डन दिस वन वो गार्डन में होती हैं द मॉन्स्टर इज गोइंग टू कम एट फोर ओ क्लॉक टुमारो फिजा से फिजा ने कहा कि मॉन्स्टर जो है चार बजे कल आएगा हमारे पास टी के लिए डोंट टेल लाइज लाई आई सेड मैंने फिर से कहा फिजा झूठ मत बोलो देर इज नो सच थिंग एज अ मॉन्स्टर मॉन्स्टर जैसी चीज़ें नहीं होती आई एम टेलिंग द ट्रुथ फिजा फिजा ने कहा कि मैं सच बोल रही हूँ वाकई में आएगा हमारे घर पे ही गॉट अ अ ग्रीन विंग्स एंड लॉन्ग ब्लू टेल वो कह रही कि उसके बहुत ग्रीन uh, जो है वो पर हैं और एक लंबी ब्लू कलर की भी है उसकी आई स्माइल्ड एंड फिजा एंग्री अगेन वो कह रही कि मैं फिर हंसना शुरू हो गई और फिजा मेरे से नाराज हो गई देन शी रैन अवे फिर वो भाग गई वहां से वाई इज वाई इज शी एंग्री विद मी अब वो सोच रही है कि ये जो है ये मुझसे क्यों नाराज हो रही है बार बार मैं तो उसको कह रही हूँ कि कोई मॉन्स्टर नहीं होता और कुछ नहीं होता दिस वन फिज़ा चली गई है उसके पास से ना अब संडे को सैटरडे को कोई सारी बात हो गई अब संडे को संडे को क्या बात हो रही है दिस वन अ फनी डे वी मेड अ केक इन द मॉर्निंग वो कह रही है अब मदर कह रही है कि बहुत एक अजीब सा दिन है कि हमने तो केक तो बना लिया सुबह सुबह एट फोर ओ क्लॉक इन द आफ्टरनून फिजा वेटेड फॉर द मॉन्स्टर और वो कह रही है कि चार बजे जो है वो बैठी हुई है फिज़ा वेट करेंगी अब मॉन्स्टर के आने का शीपुट द केक ऑन अ प्लेट उसने क्या किया प्लेट के अंदर एक केक डाला शीपुट सम द फ्रिज उसने फ्रिज के अंदर जूस रखे आई मेड समी कहीं फिर मैंने एक टी वी बना ली वेर विज योर मॉन्स्टर आएगा उस फिर मैंने कहा कि चलो मैंने सारा काम तो कर लिया बताओ तुम्हारा मॉन्स्टर किधर है जो तुमने कहा था कि वो आएगा ही इज लेट सेट फिजा फिजा ने कहा हाँ, वो लेट हो गया है ही इज लेट बिकॉज इट्स रेनिंग वो कह रहे हैं कि वो इसलिए लेट हो गया कि बारिश हो रही है दिस वन उसको आने में थोड़ा मसला हो रहा है आई स्माइल जस्ट देन करिए फिर मैं हंसना शुरू हो गई देन द गार्डन गेट ओपन फिर उसने कहा कि गार्डन का जो दरवाज़ा है वन ओपन हो गया खुल गया अ वैट मॉन्स्टर विद रेड ईयर वॉक टू द डोर अब उसकी मदर देख रही हैं कि एक मॉन्स्टर जो है जिसके रेड ईयर हैं वो अंदर एंटर हो गया है कहाँ पर गार्डन में वन ओके सिक्स लेग्स एंड आन लॉन्ग ब्लू ब्लूटेल जैसे कि फ़िज़ा ने बताया था हेलो ही सेड सॉरी आई एम लेट उसने अंदर आके कहा कि सॉरी आई एम लेट मैं लेट हो गया हूँ आप सब कैसे हैं आई ड्रॉट माय प्लेट इन सरप्राइज़ वो कह रही कि मैं हैरान हो गई और मेरे हाथ से प्लेट छूट गई गिर गई नीचे जब आप हैरान परेशान हो जाते हैं तो आपके हाथ में जो होता है वो गिर जाता है इसी तरह वो कह रही थी कि मैं तो मजाक उड़ा रही थी कि फ़िज़ा जो है वो झूठ बोल रही है लेकिन ये तो सच में एक मॉन्स्टर आ गया है द मॉन्स्टर स्माइल्ड एट अस मॉन्स्टर जो है हमें देख हंसना शुरू हो गया हैलो माई नेम माई नेम इज़ मंगोजंगो ही सेड ही उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरा नाम क्या है मंगो जंगो है ही गेव सम फ्लावर्स मी सम फ्लावर्स उसने क्या दिया उनको कुछ फूल दिए मंगो जोंगो जो है वो उनके लिए कुछ फूल लेकर आया था वुड यू लाइक टी और जूस आई आस मैंने पूछा दिस वन उन्होंने फिर उसको बिठाया टेबल पे उसको पूछा कि आप टी लेंगे या जूस लेंगे टी एंड जूस प्लीज सेड मंगोजोंगो मंगोजोगो ने कहा कि टी और जूस दोनों लूँगा मैं पीने के लिए एंड कैन आई हैव अ टॉवल टू वो कहने कि मुझे एक टावल भी दे दें आई गेव यूम टॉवल एंड ही एट एट उसने ये किया कि उसने एक टावल लिया और वह उसको खा गया दिस वन देन वी हैड अ केक टी एंड जूस फिर उन्होंने उसके आगे क्या रखा केक रखा टी भी रखा और जूस भी रखा एट सिक्स ओ क्लॉक ही got अप एंड वेंट अवे छः बजे जो था वो चला गया वापस उठा और चला गया थैंक यू फॉर हैविंग मी ही said. वो कहने के मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके आप लोगों ने मुझे बिठाया टाइम सो फिजा जो थी वो सच बोल रही थी दिस वन मूविंग टू दिस क्वेश्चन टेलिंग truth? क्या फिजा सच बोल रही थी Yes. फिजा जो है वो सच बोल रही थी पार्ट बी देख लेते हैं हमारे पास क्या है ट्रू फॉल्स चेंज दिट फॉल्स वॉन्स टू मेक दैम ट्रू हमारे पास जो फॉल्स वर्ड होगा उसको भी हमने अंडरलाइन करके उस पर सही लिखना है ताकि हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाए अ मॉन्स्टर के एम टू टी टिक हो गया फर्स्ट वन इज ऑलरेडी डैथ फॉर यू के फे जो है हमारे पास मैंगो जंगो था वो हमारे पास आया था किसके लिए टी के लिए आया था फिज़ा मेट्स हम ब्रेड नहीं क्रॉस फॉल्स हो गया ये फिज़ा मेट्स आ केक फिजा ने क्या बनाया था केक बनाया था ब्रेड नहीं बनाई थी उसके लिए द मॉन्स्टर्ड नेम बहुत सारा मॉन्स्टर का नाम क्या था सारा था इट्स फॉल्स क्रॉस कर दें इसको और सारा कोडरलाइन करके लिखेंगे मंगो जंगो उसका नाम मंगो जंगो था ही केम एट फोर ओ क्लॉक क्या वो फोर ओ क्लॉक आया था नो no. फॉल्स हो गया नो no, लिखेंगे ही वॉज लेट वो लेट हो गया था ठीक है इसके नीचे अंडरलाइन करके फोर ओ क्लॉक कोंडरलाइन करके लिखेंगे आप ही वॉज लेट ही गेव मम्मी सम स्वीट्स मम्मी को उसने क्या दिए थे स्वीट्स दी थी, थी कुछ नो no, क्रॉस हो गया ये भी सो फ्लावर्स दिए थे स्वीट अंडरलाइन करके आप लिखोगे फ्लावर्स दिए थे ही एट अ टॉवल एंड सम केक टेक ऑफ कोर्स उसने वो टॉवल दिया था और वो टॉवल खा गया था और केक को भी उसने खाया था ही सम टी एंड कोला टी और कोला पिए थे उसने वन ये इस पर हमने जो इस पर लगाया हुआ है नहीं उसने जूस और टी पी थी तो ये क्रॉस हो जाएगा दिस वन इज़ योर होमवर्क ठीक है यह आपका होमवर्क है क्रिएटिव राइटिंग क्रिएटिव राइटिंग में आपने माई मदर पर अपना सेंटेंसेज लिखने हैं एज आई हैव रिटर्न योर सेवन सेंटेंसेज माई मदर नेम इज़ डैश आई एम लिविंग दिस स्पेस फॉर यू मैंने यहाँ पर स्पेस छोड़ दी है क्योंकि आप यहाँ पर अपनी मदर का नेम लिखेंगे सब शी इज़ आ हाउस वाइफ वो हाउस वाइफ है यानी घर में रहती हैं अपने सारे घर के अपने काम करती हैं शी वर्क वेरी हार्ड वो बहुत सख्त मेहनत करती हैं वो क्यों मेहनत करती हैं मैंने यहाँ वेरी हार्ड क्यों लिखा है क्योंकि वो सुबह उठती हैं वो आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती हैं फिर खाना बनाती हैं घर को देखती हैं आप लोगों की टेक केयर करती हैं वो सबका ख्याल रखती हैं तो वो वर्क हार्ड करती हैं यानी वो बहुत मेहनत करती हैं शी टेक्स केयर ऑफ मी ठीक है me, वो हमारा ख्याल रखती हैं ऐसे ही है ना जब आप बीमार होते हैं बीमार भी ना हो आप स्कूल जाते हो आपकी यूनिफॉर्म आपकी क्लीनिंग आपकी ईटिंग सबका ध्यान रखती हैं वो ठीक है आपकी चीज़ें मैनेज करती हैं सो so, वो हमारा ख्याल रखती हैं शी इज़ ऑलवेज़ रेडी टू हेल्प मी वो हमेशा मेरी हेल्प के लिए तैयार रहती हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप अपनी मदर के पास जाते हो तो वो उसका सोल्यूशन आपको निकाल कर देती हैं शी को टेस्टी फूड वो अच्छा खाना बनाती हैं आई लव माई मदर मैं अपनी मदर से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ ठीक हो गया आपको सबको पता है कि आपने किस पैटर्न से अपना काम करना है सो थैंक यू सो मच डन फॉर टुडे